हम बात कर रहे हैं हाई ग्रीन की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में बड़ा जम देखने के लिए मिल रहा है 5% के ऊपर के अपसाइड के साथ। फिलहाल स्टॉक 296.35 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था गिरावट दिखा रहा था और 300 के लेवल को ब्रेकडाउन किया था। हमने डिस्कस किया था इस हाई को जहाँ से रिजेक्शन फेस किया और जिसके ब्रेकआउट के बाद लगातार तेज़ी दिखाई थी। 270 का लेवल यहाँ तक की गिरावट दिखा सकता है ऐसा डिस्कस हमने किए थे। वीडियो चैनल पर मौजूद है, चाहो तो आप देख सकते हो और देख सकते हो स्टॉक ने 270 के आसपास से ही रिकवरी दिखाई, अगेन बाउंस बैक दिखाया। आज के डेट में 5% का अपसाइड हमको एक बड़ा जम देखने के लिए मिला। बड़ी बाइंग 270 के लेवल से आते हुए नज़र आई। और हाई ग्रीन के ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड पॉजिटिव है, अपने अप ट्रेंड में है। गिरावट ज़रूर आई थी लेकिन बड़ी गिरावट नहीं आई। स्टॉक यहाँ से अगेन बाउंस बैक करता नज़र आ रहा है तो इस हाई के ब्रेकआउट के हाईली चांस बनेंगे। अब जहाँ सपोर्ट लेकर स्टॉक ने बाउंस बैक किया है नीचे की ओर तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के चांस रहेंगे। वैसे इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 290, फिर नीचे की ओर 280 भी इसका तगड़ा सपोर्ट है। हमने सबसे आखिरी सपोर्ट के तौर पर इस लो को डिस्कस किया है, मतलब 270 के लेवल को। तो यहाँ से आप इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, ये जो ग्रीन कैंडल का आप हाई देख पा रहे हो 300 का लेवल, जहाँ से गिरावट आई थी लेकिन अगेन बाउंस बैक किया, 300 का लेवल ब्रेकआउट दिखा सकता है। जिस तरह से स्टॉक में बाइंग आई है उस हिसाब से उतनी बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही, तो यहाँ से ब्रेकआउट के हाईली चांस बन रहे। 300 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा 320 के लेवल पर, और 320 का भी लेवल स्टॉक ब्रेकआउट करते हुए इस हाई को ब्रेकआउट कर सकता है। उसके बाद जो टारगेट रहेगा 340 तक का जंप यहाँ से शॉर्ट टर्म में हाई ग्रीन दिखा सकता है। यहाँ तक के भी टारगेट हमको देखने के लिए फिर मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।